यूपी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 230 से 235 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी और साथ ही साथ कई सारी जो पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस, वो बहुत बुरी हालत में रहेंगी। ये सामने आया है चुनाव से पहले किए गए एक ओपिनियन पोल में। इंडिया टीवी ने ये ओपिनियन पोल किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 230 से 235 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन यह जरूर साफ किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों जैसा समर्थन नहीं मिलेगा, वैसा वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटों का उसको नुकसान हो सकता है। 80 से 90 सीटों का नुकसान पिछले चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। वहीं इस ओपिनियन पोल में यह भी बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली कोई एकमात्र पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी, जिसको 160 से 165 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस को 2 से 3 और बसपा को 2 से 5 सीटों के मिलने का अनुमान जताया गया है इस ओपिनियन पोल में। वहीं यह भी बताया गया है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। पूर्वांचल की 124 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 66 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। समाजवादी पार्टी को इन 124 में से 51 सीटें, जबकि बसपा और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। साल 2017 में अगर बात करें तो भाजपा ने पूर्वांचल की 124 में से 94 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसकी सीटें कम हो सकती हैं, लगभग 66 हो सकती हैं, जबकि सपा ने सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें जीती थी, बसपा ने 10 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। तो बसपा को भी एक तरीके से नुकसान हो सकता है और कांग्रेस की तो हालत वही रह सकती है, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हो सकता है। कहां पिछले चुनावों में 14 सीटें इन 124 में से, कहां इस बार 50 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूर्वांचल के इलाके में होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस ओपिनियन पोल में यह भी अनुमान जताया गया है कि भाई गोरखपुर सीट से, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं, वो वहां से बहुत बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ पूर्वांचल की और भी आसपास की सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो ला सकते हैं। उनकी वहां से चुनाव लड़ने का असर आसपास के क्षेत्रों पर बहुत पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जो लोकसभा है वहां से 1998 से लगातार रिकॉर्ड 5 बार सांसद रहे हैं। गढ़ माना जाता है यह सीट बीजेपी का, यह जिला बीजेपी का। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पहली बार यहां से योगी आदित्यनाथ, तो उसका भी असर देखने को मिल सकता है आसपास की सीटों पर, और इस सीट पर उनकी बड़ी जीत का अनुमान इस ओपिनियन पोल में जताया गया है। तो आप बताइए, आप कितना सहमत हैं इस ओपिनियन पोल से? हालांकि अभी तो एक ओपिनियन पोल है, अभी चुनावों में वक्त है, अभी वार पलटवार का सिलसिला शुरू होगा, बहुत सारे मुद्दे आएंगे जो चुनावों की दिशा और दशा तय करेंगे। ये लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार बन सकती है। आने वाले वक्त में 10 तारीख से जब चुनाव शुरू होंगे, ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।